ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नाटक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं या इस नाटक को रिव्यू करने वाला हूं जो कल ही मैंने शिवाजी मंदिर दादर यहां देखा है। अस्मय थिएटर्स ने इसका निर्माण किया है और प्ले का नाम है मास्टर माइंड। इस टाइटल से ही पता चलता है कि भाई ये जो नाटक है वो सस्पेंस थ्रिलर होगा। मास्टरमाइंड के राइटर है प्रकाश बोईवेकर और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है विजय केंकरे। 106 नाटकों का डायरेक्शन करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री में विजय केंकरे जी एक आइकॉन है। डायरेक्शन में उनका जो अनुभव रहा है या रंगभूमि से उनका जो नाता जुड़ा है वो उनके पिता श्री दामू केंकरे जी से है और विजय केंकरे जी ने वो परंपरा आज तक संभाली है। अपने घर से ही जो शिक्षा मिलती है लोगों के लिए, वो कला पेश करना या लोगों तक वो कला लेकर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ठाकुर के बिंदास बोल से मैं दामू केंकरे जी और विजय केंकरे जी को सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है दामू केंकरे जी का और विजय केंकरे। 106 नाटकों को डायरेक्शन करना ये छोटी बात नहीं, ये तो गौरव करने वाली बात है। विजय केंकरे जी ने जो आज तक रंगभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उसके लिए हमारे पास कुछ बोल ही नहीं, लेकिन ठाकुर के बिंदास बोल से मैं ये बिंदास बोलूँगा कि सर, यू पीपल आर ग्रेट, जो रंगभूमि को आज भी जीवित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए मैं इस मास्टरमाइंड के बारे में बोलूं तो इसके जो निर्माता है अजय विचारे, अभय भावे और शरद राव राणे जी, ये तीनों ने इस नाटक का निर्माण किया है, प्रोड्यूस किया है मास्टरमाइंड। तो इन तीनों मास्टरमाइंड को मैं ठाकुर के बिंदास बोल से दिल से सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आजकल जो मराठी नाटकों का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सोशल मीडिया जिस तरह से लोगों के हाथ में पहुंचा है, तब से नाटक देखने की रुचि बहुत कम होते जा रही है। कुछ गिने चुने संस्थाओं के नाटकों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर एवरेज निकाला जाए तो नाटकों की स्थिति बहुत ही विकट है। ये मैं ठाकुर के बिंदास बोल सकूंगा। लेकिन ऐसे विकट अवस्था होने के बावजूद जब ये जो निर्माता हैं वो हिम्मत करके रंगभूमि को जीवित रखने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे निर्माताओं को सही मायने उनका गौरव करना चाहिए। तो ये जो मास्टरमाइंड प्ले है, इसमें बहुत बड़े दिग्गज लोग जुड़े हैं। इस नाटक से जुड़े हैं सुरेश जयराम जी। ये अपने आप में एक बड़ा नाम है मराठी इंडस्ट्री में, ये बहुत ही बेहतरीन राइटरों में से एक। सुरेश जयराम वो मास्टरमाइंड से जुड़े, यानी सुरेश जयराम जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक से बढ़कर एक कॉमेडी प्लेज उन्होंने लिखे हैं। ऐसे सुरेश जयराम जी इस मास्टरमाइंड में शामिल है। इसकी जो सेटिंग है वो प्रदीप मुले। बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा नाम है मराठी इंडस्ट्री में, शायद गुजराती इंडस्ट्री में भी उनका नाम है प्रदीप मुड़िये। जबरदस्त सेट डिजाइन, आप इस मास्टरमाइंड का सेट देखिए, जब कर्टन रेज होता है तो पहले दिखाई देता है वो सेट और लाइट, बहुत बेहतरीन सेट करते हैं प्रदीप मुड़िये जी। तो प्रदीप मुड़िये जी भी मास्टरमाइंड का एक हिस्सा। उसके बाद इसका जो म्यूजिक दिया वो है अशोक पत्की जी का म्यूजिक इस नाटक में सुनने लायक है, बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिया है अशोक पत्की जी ने, बहुत होल्ड करता है, क्योंकि बीजीएम जो है उसका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो क्लास है। वो सस्पेंस और थ्रिलर नाटकों को जो चाहिए, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जो म्यूजिक चाहिए वो इन्होंने दिया है। अशोक पत्की इनका भी बहुत बड़ा है, जिंगल से लेकर गानों तक उनका जो प्रवास है वो बहुत बड़ा है। बहुत हमारे मराठी इंडस्ट्री को ऐसे बहुत बड़े संगीतकार दिए हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे गुरु जिनके राशि में आते हैं वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नाम कमाएंगे। तो ऐसे अशोक पत्की जी इस मास्टरमाइंड का और एक हिस्सा है।
लाइटिंग्स के बारे में बोलूं तो शीतल तळपदे, ये बंदा किस सोच का है, क्या सोच कर लाइट करता है, वो तो आप नाटक देखते हो आपको पता है। जब कर्टन रेज होता है तो सेट्स पर जो लाइटिंग की है, जिस ढंग से ओपन होता है, जिस जिस जगह पर लाइट का इफेक्ट होना चाहिए वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट करने की जानकारी शीतल तळपदे को, बहुत ही कम लाइट डिजाइनर्स को आता। माइंड ब्लोइंग लाइटिंग है इस प्ले की, जिसका नाम है मास्टर माइंड। ये जो माइंड है शीतल तळपदे जी का, वो एक अलग माइंड है। लाइटिंग के बारे में इनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है कि ड्रेस डिजाइन, मंगला केंकरे जी ने इसका ड्रेस डिजाइन किया है, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस नाटक से जुड़ी है। मास्टरमाइंड्स, सभी मास्टरमाइंड्स को एक साथ ले प्रोड्यूसर अजय विचारे ने जो मास्टरमाइंड प्लान ऑडियंस के लिए लेके आए हैं, वो बहुत ही बड़ा प्लान है, क्योंकि दिग्गज लोगों का मास्टरमाइंड इस मास्टरमाइंड में लगा हुआ है, तो ये नाटक कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। आदिति सारंगर और अस्ताद काले, ये दो कलाकार इस मास्टरमाइंड में हैं, जो मास्टर दिखा रहे हैं इस मास्टरमाइंड। सस्पेंस थ्रिलर नाटक जब होता है, जो किया जाता है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अगर अपने अभिनय सामर्थ्य से एक दूसरे को बहुत ही टफ फाइट दी। मैं नाटक की स्टोरी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर नाटक है, वो देखने में मजा। राइटर ने जिस तरह से ये नाटक लिखा है और डायरेक्टर ने जिस तरह से इसका डायरेक्शन किया है, उसको समझ दोनों भी कलाकारों ने अपना रोल, अपना किरदार बहुत ही मजबूती के साथ किया है। बहुत ही जबरदस्त नाटक है ये मास्टरमाइंड। जिस ढंग से दोनों भी कम से कम 2-2.25 घंटे ऑडियंस को अपने कुर्सी पर बांध रखने में पूरी तरह से सफल हुए हैं, यही इस नाटक का प्लस पॉइंट है। मास्टरमाइंड की स्क्रिप्ट बहुत प्यारी है। जैसे जैसे दोनों किरदार अपना माइंड चलाकर जो गेम करना चाहते हैं, गेम करने में ये दोनों एक्टर सफल हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि पूरी टीम सफल। बहुत बहुत प्यारा नाटक है ये, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है इन दोनों का, अस्ताद काले और आदिति सारंगर। आदिति सारंगर और अस्ताद काले ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देखने लायक परफॉर्मेंस है। तो जरूर देखिए ये नाटक मास्टरमाइंड। मुझे सिर्फ ऑडियंस से विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे लगाकर ये नाटक आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप लोग थिएटर्स में नहीं आएंगे, नाटक नहीं देखेंगे, तो भला प्रोड्यूसर्स कैसे खड़े होंगे? उनको आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है। और कलाकारों के लिए अगर ऑडियंस आए तो एक बहुत ऊर्जा आती है उनमें, कलाकारों को अपने किरदारों में रंग भरने के लिए मोटिवेशन मिले। तो मैं सभी ऑडियंस को विनती करता हूँ, ठाकुर के बिंदास बोलते, अवश्य जाइए और देखिए मास्टरमाइंड। पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि 2.25 घंटे आप अपने कुर्सी से हिलते नहीं, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो माइंड, यही है मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड के पूरी टीम को ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे, और ये नाटक के बहुत सारे शोज ये मैं चाहता हूँ। और इसी के मैं तीनों प्रोड्यूसर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने वो हिम्मत दिखाई है, आपने ये नाटक सफलतापूर्वक पूरी तैयारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ पेश किया है। तो ठाकुर के बिंदास बोल से पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।